इस वीडियो को देख लिया आपने, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें एक बीजेपी का छुटभैया नेता है, ये पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहा है, पुलिस वालों को गाली दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ चुका है और इसी राम राज्य में खुलेआम बीजेपी के नेता गुंडई कर रहे हैं। श्रीकांत त्यागी का मामला आपको पता होगा और अब इसके बाद एक बीजेपी का छुटभैया नेता है, वो पुलिस वालों से उलझ रहा है, उन्हें धमका रहा है और उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी मासूम है, कार्रवाई नहीं करना चाहती लेकिन मजबूरन पुलिस को कार्रवाई करना पड़ा। ये वीडियो जो वायरल हो रहा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के ताज नगरी का वीडियो है। जो आरोपी है ये नीली टी शर्ट में है, इसका नाम है मनीष साहू। साहू जी पर हिंदुत्व सवार है, सत्ता के नशे में मनीष साहू चोर है। इतना चोर है ये अपने जब कुछ समर्थकों को गाली दे रहे थे, वहां पर मौजूद एक पुलिसकर्मी पहुंचा और वो वीडियो बनाने लगा। पुलिस वाले ने कहा, मनीष जी आप गाली मत दीजिए। मनीष जी ने ना आव देखा ना ताव देखा, सीधा वे पुलिसकर्मी को गाली देने लगे। जब पुलिस वाला वीडियो बनाने लगा तो मनीष ने पुलिस वाले को दौड़ा लिया। बीजेपी की सरकार है तो मनीष साहू ने कहा, सुनो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का राज है, वही यहाँ पर होगा जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ चाहेंगे। तुम नौकरी कर रहे हो, तुम गुलामी कर रहे हो, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हमारे ऊपर, तुम हमें नहीं रोक सकते। मैं अपने समर्थकों को गाली दे रहा हूं। लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, तेजी से वायरल होने लगा और जब खबर मीडिया में आ गई, इसके बाद पुलिस को मजबूरन खाना पूर्ति के लिए पूरे मामले पर लीपापोती करने के लिए FIR दर्ज करनी पड़ी। देखिए, हर खबर टीवी चैनल है, इसने खबर चलाई है। आगरा, सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता मनीष साहू। वही दैनिक भास्कर ने दोस्तों लिखा है, भाजपा नेता की दबंगई का वीडियो, बोला यहां जो योगी जी चाहेंगे वही होगा। बीच चौराहे पर पुलिस से की अभद्रता, युवक को पीटा, मुकदमा दर्ज। देखिए दोस्तों, खबर छपी है तमाम मीडिया पब्लिकेशन से। आगरा के बालूगंज चौकी क्षेत्र में गुरुवार रात भाजपा युवा मोर्चा के नगर महामंत्री मनीष साहू अपने साथियों के साथ कुछ युवकों से गाली गलौज कर रहा था। इस दौरान हंगामे की सूचना पर चौकी प्रभारी और सिपाही मौके पर पहुंचे। पुलिस के हस्तक्षेप से मनीष साहू को गुस्सा आ गया। मनीष ने पुलिसकर्मियों से कहा, तुम लोग हो कौन, यहाँ वही होगा जो भाजपा योगी आदित्यनाथ चाहेंगे। तुम लोग शासन को बेवकूफ बनाकर यहाँ सट्टा करवा रहे हो, होटलों में लड़कियों से देह व्यापार करवा रहे हो। इस दौरान उसने कई बार गालियां भी बकी, वीडियो बना रहे पुलिसकर्मियों से कहा, तुम लोग गलत कर रहे हो। देखिए दोस्तों, जब पुलिस वाले वीडियो बना रहे थे तो अब इसके पास मनीष साहू जो है, इसके पास कुछ बचा नहीं। अब ये पुलिस वालों पर ही आरोप लगाने लगा, उन पर कई गंभीर आरोप पढ़ने लगा। कहा, तुम लोग यहाँ पर सट्टा चलवा रहे हो, तुम लोग यहाँ पर सिक्स रैकेट चलवा रहे हो और तुम आकर के मेरा वीडियो बना करके मेरे साथ गलत कर रहे हो। योगी आदित्यनाथ जी, आपसे सीधा सवाल है, ये आपके राम राज्य में क्या हो रहा है? क्या इसी राम राज्य की कल्पना हम सब ने किया था? क्या इसी राम राज्य की कल्पना साल 2017 से पहले आपने किया था? आप तो एक महंत हैं, मठ से निकलकर आए हुए हैं, लेकिन आपके नाक के नीचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री ये क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी, जो आपने राम राज्य का सपना देखा था, वो राम राज्य पूरी तरीके से आने से पहले
खत्म हो चुका है। यहाँ पर राम राज्य की जगह गुंडा राज चल रहा है। गुंडा राज चलने की वजह से यहाँ पर पुलिस वालों के साथ दबंगई की जा रही है, पुलिस वालों के साथ अभद्रता की जा रही है, पुलिस वालों को दौड़ाया जा रहा है, पुलिस वालों को गालियां दी जा रही है। कानून के जो रखवाले हैं उन्हीं लोगों को गालियां दी जा रही है। सोचिए, जब पुलिस वालों को गाली दी जाएंगी, पुलिस वालों को मारा जाएगा, पुलिस वालों को धमकाया जाएगा, इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा दोस्तों? लेकिन दैनिक भास्कर बड़ी हिम्मत दिखाते हुए खबर छापी है, इसलिए बोल रहा हूं दैनिक भास्कर ने हिम्मत दिखाई है, क्योंकि जो खबर है बीजेपी जुड़ी हुई है, इसलिए मीडिया संस्थान डरते हैं ऐसी खबरें ना चलाई जाएं। दैनिक भास्कर ने लिखा है, इस पूरे प्रकरण में पुलिस खामोश नजर आई, बिना किसी कार्रवाई के युवक को वहां जाने दिया। थाना प्रभारी रकाबगंज राकेश कुमार का कहना है कि वीडियो की जानकारी हुई, कोई शिकायत नहीं आई, पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं मामले में भाजपा युवा मोर्चा के बज्र क्षेत्र महामंत्री गौरव राजावत ने मनीष साहू के भाजपा युवा मोर्चा नगर कार्यकारिणी में होने की पुष्टि की है। उनका कहना है कि वीडियो के बारे में जानकारी सही है, मगर अभी किसी ने कुछ गलत किया होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की किरकिरी होने लगी, इसके बाद आला अधिकारियों के निर्देश पर दारोगा की तहरीर थाना रकाबगंज में भाजपा नेता मनीष साहू, उसका साथी बंटी और अज्ञात साथियों समेत 15 पर सरकारी कार्य में बाधा डालने पर आईपीसी की धारा 7CLA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। गिरफ्तारी इसीलिए नहीं की गई है क्योंकि वो बीजेपी का नेता है, उसके तार जो हैं बहुत ऊपर तक हैं। पुलिस ऐसे मामलों में दोस्तों हाथ नहीं डालना चाहती, पुलिस ऐसे मामलों में अपना बंदूक और डंडा जमीन पर रख करके सरेंडर कर देती है, क्योंकि सीधा सीधा धमका रहा है, कह रहा तुम नौकरी करने आए हो, नौकरी कर लो, यहाँ पर गुंडई मत करो। लेकिन सवाल योगी सरकार से पूछे जाएंगे, तमाम सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछे जाएंगे, उत्तर प्रदेश की पुलिस से पूछा जाएगा, पुलिस बिना किसी दबाव के कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या इन बीजेपी नेताओं का गुंडा राज चलाने की छूट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है क्या? ये लोग जो चाहेंगे वही करेंगे। लेकिन दोस्तों पुलिस की किरकिरी जमकर हो रही है, लोग सोशल मीडिया पर तमाम चीजें लिख रहे हैं, गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लगा रहे हैं। बताइए कहाँ का ये नियम है कि तुम पुलिस वालों को गाली देगे? तुम भाजपा के छुटभैया नेता हो तो तुम्हारी हैसियत इतनी हो गई है? अगर ये छुटभैया नेता की हैसियत इतनी है दोस्तों, तो बड़े नेताओं की हैसियत कितनी होगी? अपने में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन पुलिस वालों को खुलेआम ये बीजेपी के नेता दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पुलिस पर तमाम गंभीर आरोप है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। दोस्तों आप लोगों क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि कई बार की तरह इस बार भी पुलिस वाला ही पीड़ित है और इसके बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।